उसी टाइप से आपको मास्टर सर्विसिंग करवाना है पार्ट पार्ट एसी को अलग करके, उससे आपका ये होगा कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स मिस्त्री से एसी का कंप्लेंट मैंने देखा है बहुत बार, ऐसा होता है कि जो वहाँ का कस्टमर रहता है जिसमें मैं कंप्लेंट अटेंड करने जाता हूँ, तो वहाँ पर होता ही है कि कस्टमर कहते हैं कि हमारा एसी लगातार चलते रहता है, जो वो इंडोर को देखते हैं इसलिए वो बोलते हैं कि एसी हमारा चलते रहता है, लेकिन जो हमारा जो कूलिंग रहता है वो पूरे तरीके से हमें कूलिंग नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो कूलिंग नहीं मिलने का रीज़न बहुत सारा होता है। उन्हें नहीं पता कि आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर क्या होता है वो ट्रिप भी मारता है, ठीक है, जिसके वजह से ही ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है। तो रीजंस मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ प्रॉब्लम के, आपका मिस्त्री से कंप्रेसर क्यों ट्रिप करता है, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, क्योंकि रीज़न भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिस्त्री एसी का कंप्रेसर क्यों ट्रिप करता है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले रीज़न ये है कि जब भी हम लोग एसी लगाते हैं, इंस्टॉलेशन करवाते हैं अपने रूम में नए एसी को लेकर के, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग रूम के साइज़ के हिसाब से एसी नहीं लगाते, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम देखने को हमेशा मिलता है। ठीक है, उसका कारण क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों को अभी तुरंत बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब एसी लगा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सर्विसिंग सही तरीके से नहीं करवाते सकते हैं। ठीक है, मतलब सही तरीके से हम लोग सर्विस नहीं करवाते, जिसके वजह से क्या होता है हमारा कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ट्रिप करता है, जिसके वजह से हमें ये बेहतर कूलिंग नहीं मिल पाता। सर्विसिंग किस टाइप से को कराना है वो भी मैं आप लोग को तुरंत बताने वाला हूँ, बस वीडियो आप लोग बने रहिएगा। अभी मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसके बाद साथ ही साथ मैं आप लोगों को सबका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर हमारा एसी लगता है जिस भी रूम में, वहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट हमारा जो छत रहता है वहाँ पर सनलाइट पड़ता है, तो उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से भी हमारा कंप्रेसर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिप करता है, उसके वजह से हमें कूलिंग बेहतर तरीके से रूम में नहीं मिल पाता है। एक और प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग में से बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एसी तो हम लोग लगा लेते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर रहता है गर्मियों के सीज़न में वो 45, 46, 48 डिग्री या फिर 50 डिग्री होने के बाद ऑटोमेटिकली वो मतलब कि ज़्यादा होने से हमारा कंप्रेसर ट्रिप करने लगता है। ठीक है, वो क्या कारण है, किसी वजह से ट्रिप करता है, वो भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, मतलब सोल्यूशन की तरफ, उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसमें और कौन कौन सा मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले पॉइंट की तरफ, सबसे पहले प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि रूम के साइज़ के अगर आप एसी नहीं लगाते तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब भी आप एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हो अपने रूम में, उससे पहले आप लोगों को ये पता करना है कि हमारा रूम का साइज़ क्या है। ठीक है, क्योंकि रूम के साइज़ के हिसाब से एसी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रूम, इसमें ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो मैं आप लोगों को कंटिन्यू फिर करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पिछला वीडियो में मैंने यही बताया था कि आप अगर रूम, जैसे कि आपका रूम है 150 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो आप 1.5 टन का एसी लगाओ तो नॉर्मली वो बहुत अच्छा तरीके से वर्क करेगा, लेकिन आपका रूम का साइज़ 250 स्क्वायर फीट, ठीक है, तो उसमें आप 1.5 टन का एसी लगाते तो वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेगा, जिसके वजह से आपका क्या होगा, रूम के साइज़ के हिसाब से कूलिंग नहीं होगा, टेम्परेचर जो रहता है सेंसर वो ऑटोमेटिकली सेंस नहीं कर पाएगा, उसके बाद क्या होगा हमारा कंप्रेसर जो रहता है वो टाइम टू टाइम कट ऑफ नहीं होगा, जिसके वजह से कि ओवर हीट होने लगेगा। ओवर हीट होने से ये प्रॉब्लम आपका ऑटोमेटिक वो ट्रिप करना चालू हो जाएगा। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, जब भी आप एसी लगवाओ तो आप रूम के साइज़ के हिसाब से आपको एसी लगाना है। 1.5 टन का है तो 150 स्क्वायर फीट में लगाए, 1 टन का है तो 100 स्क्वायर फीट में आप लगाए। अगर मीटर से एसी का आप लेते हो तो 1.5 टन का ले रहे हो तो 150 स्क्वायर फीट आपका है तो आप 200 स्क्वायर फीट में अब वो एसी आपका कवर कर जाएगा, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मीटर से रहे या फिर ओरिजिनल रहे, वो इजिली आपका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये मैंने आप लोग बताया था कि एसी अगर बहुत ज़्यादा गंदा होता है तो आपको सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, सर्विसिंग किस टाइप से आपको करवाना चाहिए? सर्विसिंग आपको इस टाइप से करवाना चाहिए, जैसे कि आप मान के चलते आपका 1 साल लगातार आप एसी चलाएं, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको कूलिंग बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल रहा है। इंडोर का जो ब्लोअर रहता है उसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, उससे हवा बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करवाना है, आपको मास्टर सर्विसिंग करवाना है। ठीक है, मास्टर सर्विसिंग कैसे होता है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो मैंने बताया था, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे वीडियो के सेक्शन में जाकर के अभी वहां पर देख सकते हो मास्टर सर्विसिंग किस टाइप से होता है। बस उसी टाइप से आपको मास्टर सर्विसिंग करवाना है पार्ट पार्ट एसी को अलग करके, उससे आपका ये होगा कूलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो एसी रहेगा उसका भी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है अगर आप मास्टर सर्विसिंग करवाते हैं एसी को। तो आप फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट के सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या है, अगर आपका रूम में एसी लगा हुआ है और उसके ऊपर छत है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है धूप का छत पे, ओवर हीट हो रहा है छत, उसके वजह से हमारा एसी जो रह रहा है वो ट्रिप बार बार कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि आप लोगों को फॉल्स सीलिंग के बारे में पता ही होगा, रूम में नॉर्मली आपको फॉल्स सीलिंग करवा लेना है। फॉल्स सीलिंग करवाने के बाद आपका इजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं आएगा, बस रूम के साइज़ के हिसाब से आपको एसी लगवाना होगा। आपको नॉर्मली जिस तरह से मैंने आपको बताया
अगर एक टन का एसी तो 100 स्क्वायर फीट करूँगा, अगर 1.5 टन का एसी तो 150 स्क्वायर फीट करूँगा। इस टाइप से आप अगर आप एसी को लगवाओगे तो कोई तरह का इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा भविष्य में, ठीक है। तो यही इसके प्रॉब्लम का सलूशन है, ठीक है। अगर आपका बार बार ट्रिप करता है तो अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है धूप का छत पे, तो ये तो थर्ड पॉइंट था फ्रेंड्स प्रॉब्लम का सलूशन। हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या था? फोर्थ प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो कंप्रेसर रहता है अगर हमारा गर्मी के समय में आता है तो 45-48 डिग्री में बार बार ट्रिप करने लगता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको पता ही होगा अगर हम लोग इंडिया के रहने वाले, इंडिया में आपका ये होता है कि हमारा जो डिग्री जो नॉर्मली टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री प्लस अगर होता है तो कोई भी कंपनी का एसी रहता है वो ट्रिप करता ही है, ठीक है। तो इसका कोई सलूशन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप ओरिजिनल का एसी लेते हो, अगर आप मिट्सुबिशी का एसी लेते हो, कोई भी कंपनी का महंगा से महंगा एसी लगवाते हो, अगर इसमें नॉर्मली 50 डिग्री प्लस अगर टेम्परेचर हो जाए गर्मियों के सीजन में तो आपका नॉर्मली ट्रिप होना स्टार्ट कर देगा कंप्रेसर। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका नॉर्मल 50 डिग्री से कम है, 45 से डिग्री से बहुत ज़्यादा कम है, अगर उस समय आपका ट्रिप कर रहा है कंप्रेसर, तो आपको टेक्नीशियन बुलाना है। टेक्नीशियन आपका इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा टेक्नीशियन, ठीक है। कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर 50 प्लस डिग्री आपका आ रहा है गर्मियों के सीजन में इंडिया में, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। ये नॉर्मली आपका ट्रिप करना करता ही रहेगा एसी, ठीक है। तो आपका जैसे टेम्परेचर कम होगा ऑटोमेटिकली आपका एसी बेहतर तरीके से चलने लगेगा। तो यही कुछ डिटेल के बारे में मुझे बताना था मिट्सुबिशी एसी के बारे में, किस किस कारण से आपका ये एसी का कंप्रेसर रहता है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप करता है, ठीक है। ट्रिप करने के और भी कारण, जैसे कि आपका कंप्रेसर का जो टर्मिनल रहता है वो शॉर्ट कर जाएगा, उसके वजह से भी ट्रिप करता है। और ये भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे आपका कैपेसिटर वगैरह खराब हो जाता है उसके वजह से भी आपका ट्रिप करता है। लेकिन मेन जो रीजन है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को वही बताया कि किस किस कारण से ये बेसिक सा चीज़ें जो आपका ट्रिप करता है और ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एसी ऑटोमेटिकली आपका बेहतर तरीके से चलेगा। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।